ज्यादातर पुंछ में एहतियातन धारा 144 भी लगाई गई थी, और जिसके तहत कोई भी प्रोसेशन या फिर कोई भी जो है 5 से ज्यादा लोगों की गैदरिंग उनको भी जो है रोका गया था। तो इसके अलावा भी जहां कहीं पे भी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की जरूरत होगी उसमें सख्त से सख्त कार्रवाई डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से की जाएगी। लेकिन उसके साथ ही साथ मेरी पुंछ वासियों से ये अपील है कि वो इस टाइप की अफवाह पर ध्यान ना दें, जैसा कि पहले भी ये स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी ये क्लियर किया गया था कि अभी कोई भी फिलहाल जो है आज जैसे आज की कॉज लिस्ट में 35A की जो सुप्रीम कोर्ट की कॉज लिस्ट है आज उसमें जो केस था वो उसमें था ही नहीं। सो इस वजह से इस टाइप की जो भी अफवाह है जो कि डिफरेंट अफवाह चल रही है उनको डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरह से डिनाई करता है, और उसके साथ साथ लोगों से अपील करता है कि वो अफवाह पर ध्यान ना दें और कोई भी इस टाइप की बात सोशल मीडिया में या फिर जो है दूसरे फोरम पर ना फैलाएं। अगर कोई भी गलत अफवाह सोशल मीडिया पर या फिर दूसरे फोरम पर फैलाता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।